स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अंडर 20,000 बेस्ट 5G स्मार्टफोन दोस्तों। अगर आप इन फ्यूचर के लिए एक 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी बजट अगर 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान है तो आपको इस वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्प वगैरह होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में हम ऐसे मोबाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो 5G होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन फ्यूचर के लिए 5G वगैरह इंडिया में आने वाला है लेकिन फिलहाल नहीं आएगा, 2022 में वगैरह में 5G देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इन फ्यूचर के लिए 5G स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको इस वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ में इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। इस वाली वीडियो को मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, एक क्राइटेरिया रखने वाले हैं जिसमें दोस्तों 6.4 इंचेस की एक डिस्प्ले होना जरूरी है और इसके साथ में 90 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट वगैरह होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और दोस्तों इसी के साथ में 4000 mAh की बैटरी होना जरूरी है और इसी के साथ में 18 वाट का एक फास्ट चार्जर होना भी जरूरी है। इसी के साथ में लेटेस्ट एंड्रॉइड होना जरूरी है दोस्तों, एंड्रॉइड 11 होना चाहिए और इसी के साथ में लेटेस्ट प्रोसेसर होना चाहिए जिसमें 5G प्रोसेसर होना जरूरी है। इसी के साथ में दोस्तों 3 कैमरा का सेटअप होना जरूरी है जिसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का होना जरूरी है और इसी के साथ में 13 मेगापिक्सल की एक सेल्फी होना जरूरी है। और दोस्तों इसी तरह आखिर में बात करेंगे, 6GB रैम होना चाहिए और साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज होना जरूरी है और दोस्तों इसी के साथ में 3.5mm का ऑडियो जैक रहेगा तो भी चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा दोस्तों। और दोस्तों इन सारे मोबाइल में 5G प्रोसेसर होना चाहिए और सारे के सारे मोबाइल अंडर 20,000 होना चाहिए। सबसे पहले मोबाइल के बारे में बात करने वाले दोस्तों, हम नंबर 3rd पोजीशन पे रखा है Realme X7 दोस्तों, जो रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था दोस्तों, जिसमें आपको 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट पैनल देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलती है, इसीलिए 60 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट एमुलेट डिस्प्ले के साथ में अगर कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपको काफी तगड़ी सी डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलती है। इसी के साथ में दोस्तों आपको एक 4310 mAh की एक बैटरी देखने को मिलती है और इसी के साथ में आपको 50 वाट का इनबॉक्स फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको काफी तगड़ा सा फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो भी चिपकाया गया है। इसके सेल्फी के बारे में बात करेंगे तो आपको 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। ओवरऑल कहा जाए तो दोस्तों आपको इसके अंदर काफी तगड़ा सा कैमरा देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको एक 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें है दोस्तों MediaTek Dimensity 800U वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। ये एक 5G प्रोसेसर है। इसके अंदर आपको Android 10 मिलेगा इनबॉक्स और साथ में Realme UI 1.0 देखने को मिलता है। फाइनली Realme की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ चुका है, Android 11 देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको, इसके अंदर साथ में Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने कहा था क्राइटेरिया में Android 11 होना चाहिए तो आपको इसके अंदर Android 11 देखने को मिलता है, लेकिन जब आप उस मोबाइल को लेने के बाद आपको कंपनी की तरफ से अपडेट आएगा दोस्तों, लेकिन इनबॉक्स आपको Android 11 और साथ में आपको Realme UI 2.0 देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाद में आप उस मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। इसके बेस वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपको इसके अंदर 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में करीब इसकी प्राइस निकल कर आती है 19,999 रुपीज आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है। ओवरऑल कहा जाए तो दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर और डिस्प्ले और कैमरा आपको काफी तगड़ा सा देखने को मिलता है जिसमें एमुलेट डिस्प्ले मिलेगी और साथ में आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट वगैरह मिल रही है, आपको काफी बेहतर से बेहतर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अगर आपकी बजट अगर 20,000 रुपए है दोस्तों तो आप इस वाले मोबाइल की तरफ देख सकते हैं और दोस्तों इन फ्यूचर के लिए इस वाला मोबाइल आपको काफी तगड़ा सा देखने को मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वाले मोबाइल को खरीदें। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाकर आप इस वाला मोबाइल खरीद सकते हैं। इसी के साथ में सेकंड पोजीशन पे हमने रखा है Realme Narzo 30 Pro दोस्तों, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है Realme X7 Pro के बाद में। इसके अंदर आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको काफी तगड़ी सी डिस्प्ले
डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.5 इंच की है फुल HD प्लस। इसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेशिंग रेट वगैरह देखने को मिलती है। इसी के साथ में दोस्तों आपको इसके अंदर एक 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है और आपको इन बॉक्स 33 वाट का एक अंदर आपको एक डार्ट चार्जर देखने को मिलता है। आपको इसके अंदर काफी तगड़ी सी काफी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और दोस्तों रियलमी नार्जो 30 प्रो की कैमरे के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और इसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा चिपकाया गया है और इसी के साथ में आपको एक 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको एक तगड़ा सा प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये एक 5G प्रोसेसर है दोस्तों और इसी के साथ में आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको रियलमी UI 2.0 देखने को मिलता है। और दोस्तों इसके बेस वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आपको इसके अंदर 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसकी प्राइस निकल कर आती है 15,099 रुपीज़ आपको इसकी प्राइस देखने को मिलती है। अगर आपकी बजट अगर 16,000 रुपये है तो आप इस वाले मोबाइल की तरफ देख सकते हैं। इस वाले मोबाइल में आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अगर आप एक हैवी गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप इस वाले मोबाइल को खरीदें और इस वाले मोबाइल में आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन और आपको इसके अंदर काफी तगड़ा सा प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको बहुत ही बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग वगैरह कर रहे हैं। तो नंबर 1 पोजीशन पे हमने रखा है रियलमी 8 5G दोस्तों जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। दोस्तों इस मोबाइल में आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन और इसी के साथ में आपको काफी बजट में आपको एक 5G मोबाइल देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों आपको इसके अंदर 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेशिंग रेट के साथ में एक काफी तगड़ी सी बड़ी वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपको इसके अंदर 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिलती है और इसी के साथ में आपको इन बॉक्स 18 वाट का एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है और इसी के साथ में आपको इसके अंदर एक मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाली चिपसेट देखने को मिलती है। ये एक्चुअल में दोस्तों एक 5G चिपसेट है और इसी के साथ में आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है और साथ में आपको रियलमी UI 2.0 भी देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको इस वाले मोबाइल में काफी तगड़ा सा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और इसकी डिस्प्ले वगैरह काफी तगड़ी से है। इसकी बेस वेरिएंट के प्राइस के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इसकी प्राइस करीब निकल कर आती है 14,999 रुपीज़ इसकी प्राइस आपको देखने को मिलती है। अगर आप इन फ्यूचर के लिए अगर आप एक 5G मोबाइल फोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपकी बजट अगर 15,000 के रेंज में है तो आप इस वाले मोबाइल को देख सकते हैं, इस वाले मोबाइल को खरीद सकते हैं। इस वाले मोबाइल में आपको काफी तगड़े से स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। जो दोस्तों मैं आपको 3 स्मार्टफोन आपको बताया हूं दोस्तों जो क्राइटेरिया के साथ में ये फोन एक्चुअल में 5G है। दोस्तों अगर आप इन फ्यूचर के लिए 5G स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ में इन सारे मोबाइल को खरीद सकते हैं। और एक बात बताना भूल गया दोस्तों आपको इसी तरह एक जो मैं बताया हूं दोस्तों रियलमी 8 5G दोस्तों अगर आप रियलमी फोन को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपके पास और एक ऑप्शन है दोस्तों आपको ओप्पो A53s भी आप खरीद सकते हैं। सेम स्पेसिफिकेशन वगैरह देखने को मिलती है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 वाली चिपसेट वगैरह आपको देखने को मिलती है। अगर आप रियलमी का मोबाइल नहीं खरीदना चाहते या फिर ओप्पो वगैरह की तरफ देखना चाहते हैं तो आप उस वाले मोबाइल को भी खरीद सकते हैं। और इसी के साथ में आपका प्यार और सपोर्ट इस वाली वीडियो को बताते रहेंगे तो मैं आपको इसी तरह के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। तो मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।